आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में दशा माता की पांचवी कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी का वास होता है। कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उनकी आर्थिक दशा कुछ अच्छी नहीं थी। एक दिन उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करो, तब ही घर का गुजारा चलेगा। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे तो कुछ होता नहीं। बेटे ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही कोई काम ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर बेटा काम की तलाश में निकल गया और काम ढूंढते ढूंढते गांव वालों ने उससे कहा, तुम हमारे पशु चरा लाया करो, उसके बदले हम तुम्हें भोजन वस्त्र दे दिया करेंगे। अब लड़का हर रोज पशु चराने जाने लगा। एक दिन वह नदी के किनारे पशु चरा रहा था। वहीं पर कुछ महिलाएं नदी में स्नान कर दशा माता का पूजन कर डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। वहां लड़के को देख उनमें से एक महिला ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? उसने कहा, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, पास के गांव में ही रहता हूँ और पशु चराने का काम करता हूँ। उन महिलाओं ने कहा, हमारे पास दशा माता का ये एक डोरा बच गया है, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, ये ले लो और ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और इसे लेने से क्या होगा? वो बोली, इसे अपनी माता को दे देना, वह हर रोज 9 दिन तक स्नान कर दशा माता की कथा कहानी कहे, 10वें दिन दशा माता व डोरे की पूजा करे। इसे करने से माता प्रसन्न होकर मन चाही इच्छा को पूरा करती है और यदि घर की या व्यक्ति की दशा बिगड़ी हो तो उसे ठीक करती है। हमें ये आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दशा माता की कृपा से तुम्हारे घर की दशा भी ठीक हो जाएगी। हम तुम्हें इस डोरे के साथ साथ सीधा भी दे देंगे, वो ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने खुशी खुशी वह डोरा और सीधा ले लिया और घर लौट आया। घर आकर दरवाजे से ही माँ को आवाज लगाई, माँ ये सामान मेरे सिर पर से उतरवाओ, काफी भारी है। सामान देख माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो बेटा बहुत कुछ लेकर आया है। सामान उतार कर बेटे ने माँ को सारी बात बताई और दशा माता का डोरा देते हुए कहा, माँ श्रद्धा पूर्वक दशा माता की पूजा करना, माता की कृपा से शीघ्र ही हमारी दशा सुधर जाएगी। माँ ने श्रद्धा भाव से डोरा बेटे से लिया और उसी दिन से अपने गले में धारण कर लिया। अब वह हर रोज नियम से दशा माता की कथा कहानी कहने लगी। 10वें दिन जब वह दशा माता के पूजन की तैयारी कर घर को लीप रही थी तो दशा माता एक बुढ़िया का रूप धर उसके पास आई और पूछा, बहन तुम क्या कर रही हो, प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। वह बोली, बहन आज मैं दशा माता के पूजन की तैयारी कर रही हूँ, मैं तुम्हें अभी जल पिलाती हूँ, लेकिन तुम्हें जल पिलाने के लिए मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास मिट्टी का एक सिकोरा है, वह लेकर आती हूँ, तुम रुको। यह कहकर ब्राह्मणी अंदर चली गई। उसके द्वारा बोले गए आदर भाव के शब्द
वे उसका अतिथि भाव देखकर दशा माता उस पर प्रसन्न हुई और देखते ही देखते वह मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया, झोपड़ी की जगह सुंदर घर बन गया। वह ब्राह्मणी बाहर आई तो बुढ़िया रूपी दशा माता जा चुकी थी। मिट्टी के घड़े की जगह सोने का घड़ा और टूटी फूटी झोपड़ी की जगह सुंदर घर देख ब्राह्मणी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? इतने में उसका बेटा भी आ पहुंचा। अपने घर की इस दशा को देख वह भी हैरान रह गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये सब कैसे हो गया? माँ ने कहा, मैं तो दशा माता के पूजन की तैयारी कर रही थी। इतने में एक बुढ़िया माई आई, उसने मुझसे जल मांगा। मैं अंदर जल पिलाने के लिए बर्तन लेने गई, बाहर आई तो वह नहीं थी और ये सब हो गया। लड़का प्रसन्नता से चिल्लाने लगा, माँ वह दशा माता थी, दशा माता की कृपा से हमारी दशा बदल गई। माँ अब कभी तुम्हें उस रूप में दशा माता फिर से दिखाई दे तो पहचान लेना। ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई, उसने खुशी खुशी दशा माता का पूजन किया। दशा माता की कृपा से उसके घर में सब कुछ हो गया, पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू मेरे घर में ये सब कुछ जो तुम देख रही हो ना, ये सब दशा माता का प्रभाव है। इसलिए जब मैं तुम्हारे बीच ना रहूं, तब भी तुम इसी प्रकार दशा माता का डोरा ले पूजन करती रहना और कभी भी कोई बुढ़िया मैले कुचैले भेष में द्वार पर आए तो उसे दुत्कारना मत, आदर मान देना, क्योंकि वह दशा माता होगी। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी चल बसी। फिर से दशा माता का पूजन आया तो बहू ने डोरा ले पूजन किया। दशा माता ने सोचा, चल कर देखना चाहिए कि बहू अपनी सास की तरह है कि नहीं। दशा माता बुढ़िया का रूप धर मैले कुचैले वस्त्रों में उसके द्वार पर आई। बुढ़िया रूपी दशा माता को देख बहू को सास की बात याद आ गई। बहू बाहर आई, साड़ी के पल्लू से माँ का मुंह पहुँचा, पुत्र को माता की गोदी में डाल पैर छुए और बोली, अंदर आओ माँ। यह देखकर दशा माता खुश हुई और उसे आशीर्वाद दिया, मेरी कृपा तुम पर व तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तुम धर्म में आस्था रखने वाली हो, तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तू जो इच्छा करेगी वह अवश्य पूरी होगी। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी ब्राह्मणी उसकी बहू व उसके बेटे पर की, वैसी सब पर करना। इस कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो दशा माता की जय। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।